सो भाई साहब अपा अब जा रहे हैं नानी घर के, जाने से पहले जाएंगे पहले हाजिरी भरेंगे नकोदर की। लो जी भगवान का नाम लेके अब स्टार्ट हो रहा है, हमारी ट्रिप स्टार्ट होने जा रही है न्यू कार पे। लड्डे जी ये ले रहा है ऐश। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है कोडलेस ट्रैवलर। तो आज हम सिरसा के अंदर कल आ गए थे गुड़गांव से यहाँ पे। सुबह यार ताजगी और ये पंछी पंछी की आवाज़ जो सुनने को मिल जाती है ना, ये गुड़गांव वाले शहर पे मिलती नहीं है। सुबह उठो पी पा मिल जाता है, और छोटे शहरों की यही खासियत बात होती है, आप नेचर के साथ थोड़ा कनेक्ट रहते हो तो ठीक है। आपको पता था पिछले ब्लॉगों के अंदर मैंने बताया कि नई ले ली हमने कार, तो उसका नया ट्रिप भी तो करना है भाई। तो नया ट्रिप करने के लिए हम रेडी हैं, आज सिरसा के अंदर आ गए हैं। 3 दिन की हमारी छुट्टी और हम जा रहे हैं हिमाचल। और हिमाचल के अंदर कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं हम बता देंगे आगे ब्लॉग के अंदर, और आप इंजॉय करो ये थोड़ा सा साउंड। और साउंड के साथ साथ आज ये बात है कि ये जो इन्वायरमेंट जो होता है, जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट, ये बहुत अच्छा महसूस अगर आपको करता है, अगर सुबह सुबह आप उठते हो ना तो मतलब ऐसे फ्रेश फील एकदम से करते हो। तो फिर देरी ना करते हुए फिर हम निकालते हैं अपनी नई कार बाहर और उसको लेके चलते हैं एक नए ट्रिप की ओर। जब नई नई गाड़ी जब स्टार्ट करो ना अब तो मजा ही लग जाता है, और इसकी ना आगे बड़ी लाइटें जग रही है क्योंकि वो ऑटो है, चल जाती है अपना। बाकी आज इसको थोड़ा सा फील करते हुए जाएंगे, ऊपर से बढ़िया दिखता है ना। लो जी भगवान का नाम लेके अब स्टार्ट हो रहा है, हमारी ट्रिप स्टार्ट होने जा रही है न्यू कार पे। हमारे डैडी जी मना कर गए हैं, सुबह मना कर गए हमारे डैडी जी। तो अभी निकलते हैं एक मासी जी के लड़के को उठाने से अब्दुलगढ़ से, फिर आपको आगे के टूर दिखे। हमारे भाई साहब ने कुर्ता भी हमें डाल लिया है। हाँ जी बेटा जी, आइसक्रीम खिला देंगे आपको। और दूलगढ़ पहुंच गए हम, यहाँ पे हमारे एक मौसी जी का लड़का आ रहा है, मुसैर, आपके पिछले ब्लॉगों में देखा होगा, उसको ले रहे हैं हम, फिर निकलते हैं। हाँ भाई तू तैयार नहीं हुआ अनु, तू नेक्स्ट टाइम मोटरसाइकिल दे आऊंगा, मगर किसे मोटरसाइकिल दे आ जा भैया। होटल A9 पे ब्रेकफास्ट खाए थे, ब्रेकफास्ट किया था और खाना अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, सर्विस भी अच्छी थी, पर थोड़ा सा ना स्टाफ को थोड़ा सा पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लड़कियां थी ना इसलिए ज्ञान नहीं है हमारे। ये लड्डे जे ये ले रहा है ऐश ले बेटा ले तू। सो भाई साहब अपा अब जा रहे हैं नानी घर के, जाने से पहले जाएंगे पहले हाजिरी भरेंगे नकोदर की। तो पहले नकोदर जाएंगे, वहाँ पर मत्था टेकेंगे, फिर नानी घर जाएंगे, क्योंकि ऐसे ना कि वहाँ जाके उन्होंने रेस्ट ही करना है। हमने कहा चलो यहाँ का रूट है, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, रायकोट पहुँच चुके हैं, रायकोट वहाँ पे खाना वाना खाया, टैंकी फुल कराएंगे यहाँ से, क्योंकि पंजाब में इतनी सस्ता है, वहाँ से करा के फिर निकल लेंगे नकोदर की, और आपको दर्शन कराएंगे आज का नकोदर। जय बाबा। सो भाई साहब दरबार श्री ग्रंथ साहिब जी, अब नकोदर के लिए सीधा जा रहे हैं अपा। भाई साहब आपने एडवर्टाइजमेंट तो बहुत देखी होगी, लेकिन आपको ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखा दूंगा नजारा आ जाएगा सुन के, मतलब दिखा दूंगा ऐसे। पंजाबी पढ़नी आती मैं बताया था, देखो वो क्या लिखा हुआ है, अभी पढ़ाता देखो, एक मिनट जूम कर लो, ये देखो पंजाबी में लिखा हुआ है, तीसरी अख रेट सब तो घट, कैमरे ही कैमरे, सीसीटीवी कैमरा, मतलब कि सीसीटीवी कैमरे को कहते हैं तीसरी आंख और रेट सब तो घट। अगर हिंदी में समझाना हो तो कि भाई साहब तीसरी आंख और रेट सबसे कम, मतलब पंजाबी बहुत इसका अच्छा मतलब बनता है। क्या नजारेदार भाई साहब, आ जाना फ्री की प्रमोशन कर देते हैं इसकी, भाई साहब की क्या नाम है इसका, तीसरी आंख ए होलसेल रेट, केडी वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स नियर नकोदर, आइए भाई की तीसरी आंख बकवाइए और ऐश कराइए। पंजाब के एक शहर जलंधर में स्थित नकोदर, डेरा बाबा मुराद शाह जी की स्थापना बाबा मुराद शाह जी ने करवाई थी। बाबा मुराद शाह जी बाबा शेरे शाह जी के शिष्य हुआ करते थे, जो कि पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान चले। बाबा मुराद शाह जी के सर्व सिधारने के बाद साईं गुलाम शाह, जिसे साईं लाडी शाह जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने यहाँ पर बैठकर सूफिज़्म का पाठ लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया।
साईं लाडी शाह जी के जाने के बाद यहाँ के मुख्य सेवादार पंजाब के प्रमुख सिंगर गुरदास मान जी हैं। सप्ताह के हर वीरवार यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। लोग अपनी मुरियादे लेके सच्चे मन से यहाँ पे पधारते हैं। एक साल में दो बार यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ पर सूफी सिंगर आकर कवाली करते हैं। साईं लाडी शाह जी को सबसे ज़्यादा ये पसंद था मेरा लिख दे गलामा विच ना। डेरा बाबा मुराद शाह जी का मेन मकसद है सूफीज़म को बढ़ाना और यहाँ का मेन है नेकी की दीवार कि सबके लिए सेम है। जय साईं लाडी शाह जी नकोदर। सब दा मालिक एक है कि सारे गोड एक हैं। चाय का लंगर और खाने का लंगर यहाँ पर दिन रात चलता रहता है। बाबा मुराद शाह जी और साईं जी की यहाँ पर कुछ निशानियाँ भी पड़ी हैं जिसे लोग बहुत प्यार से माथा टेकते हैं। जो कर्म है वो ही धर्म है, जो आप काम करते हो वही धर्म है। डेरे के पीछे एक तालाब है और तालाब के पास पार्क भी बनाया गया जो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जो चाय लंगर में बनती है उसे ऐसे चूल्हे पे बनाया जाता है पुराने समाने जमाने की तरह। नकोदर द्वार में सफाई और कलाकृति का बहुत बढ़िया नज़ारा आपने को देखने को मिलता है। एक बार जरूर जाएं। जय बाबा मुराद शाह जी। अभी आप पीछे नकोदर दरबार जिसे कि मुराद शाह दरबार भी कहा जाता है, आपको सारी हिस्ट्री मैंने पीछे बता दी है। तो एक लाइक बनता है तो एक लाइक कर दीजिए और बाकी अब सीधा मैप डाल लिया है हमने अपने नानी के घर का ललड़ी का, तो वहाँ सीधा जाके आपको वहीं दिखाते हैं। बाद में कोई रास्ते में कुछ दिखाने वाली चीज़ें तो दिखाएंगे, तो एक लाइक बनो, बाकी सीधा वहीं जाके मिलते हैं आपसे। वेलकम टू लालड़ी पिंड। ऐसा नानी के घर पे बैठे हैं हमारे मामा श्री, ये नवी बग्गा वंशिका सभी मेरे को देख के हंस रहे हैं, कहते व्लॉग बना रहा है। ठीक है, तो बात ऐसे है, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा एक समय मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल से बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने के मिलेंगे। अभी कहीं पर हम जाएंगे, उसका व्लॉग बनाएंगे, तो जुड़ी रही ऐसी मेरे व्लॉग के साथ। बाय बाय, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, अभी कहीं हम जा रहे हैं कुछ काम के लिए, तो वो बाद में बताएंगे। बाय।